chapter in the first chapter, the living world. So what do you mean by living? Living का मतलब क्या होता है? Living का मतलब ऐसा species जो जिंदा है, सांस ले रहा है. पर अगर हमें इसे define करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो ऐसी कोई भी organism या species जो show करते हैं characteristics जैसे growth, reproduction, metabolism, सेल ऑर्गेनाइजेशन, और रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी स्टिमुलस पे. ये पांच प्रॉपर्टीज दिखाने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को अलाइव कंसिडर किया जाता है. बट इनमें से तीन ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहा जाता है. ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हेल्प करते हैं डिफाइन करने के लिए कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा है. अब जैसे कि हम कंसिडर करते हैं ग्रोथ. अगर कोई माउंटेन ग्रो कर रहा है साइज में, तो क्या हम उसको लिविंग कंसिडर करेंगे? नहीं. अगर कोई स्टेराइल ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पा रहा है, तो क्या हम उसे नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे? नहीं. पर बाकी के तीन जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज दिखाने वाले हर स्पीशीज को हम लिविंग ही कंसिडर करेंगे. अब लिविंग स्पीशीज को नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग के लिए रूल्स सेट हुए हैं, और वो रूल्स किसने सेट किए हैं? ICBN और ICZN. ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. अब इन्होंने जो रूल सेट किए हैं, वो रूल्स के हिसाब से ही नेमिंग होती है, और उस नेम को हम क्या कहेंगे? या तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कह सकते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, सिस्टम. और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम से हम नेमिंग कौन सा करते हैं? साइंटिफिक नेम. तो हर स्पीशीज का साइंटिफिक नेम उसे कैसे मिलता है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, अब देखते हैं रूल्स. इसके रूल्स क्या है? अब हम देखेंगे रूल्स. तो इसका पहला रूल क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जैसे कि नाम में ही है बाइनोमियल, मतलब दो वर्ड का नेम रहेगा. और इसमें से जो पहला वर्ड रहेगा, फर्स्ट वर्ड, वो होगा जीनस का, कौन से जीनस से वो ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज बिलोंग करता है. और सेकेंड वर्ड होगा स्पीशीज, कौन से स्पीशीज से वो बिलोंग करता है ऑर्गेनिज्म. ये दोनों वर्ड जब भी हैंड रिटन होते हैं, तो ये अंडरलाइन होते हैं, और अगर ये टाइप्ड होते हैं, तो ये इटैलिक्स में होते हैं. हर वर्ड को साइज दिया गया है. कोई भी जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेमिंग के लिए जो भी वर्ड यूज करता है ऑर्गेनिज्म के लिए, उसका साइज 3 से 20 लेटर्स तक नहीं आना चाहिए. जीनस का जो नेम है, उसका जो फर्स्ट वर्ड रहता है, फर्स्ट वर्ड, वो कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेट. और स्पीशीज में जो नेम रहता है, वो फुल्ली स्मॉल लेटर्स में होता है. साइंटिफिक नेम में हम साइंटिस्ट का नाम भी ऐड कर सकते हैं. एग्जांपल, अगर हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, तो इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका. फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड स्मॉल है. अभी ये हैंड रिटन है, इसीलिए अंडरलाइन होंगे. और अगर हमें साइंटिस्ट का नाम ऐड करना है, तो साइंटिस्ट का नाम था कार्लस विनस, जिन्होंने ये ढूंढा था, तो हम लास्ट में
सिर्फ लिन भी लगा सकते हैं, उनके साइंटिस्ट के नेम का अब्रीविएशन. अब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म. अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के साथ एक और सिस्टम है जो कि फॉलो किया जाता है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम. इसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में फर्क बस इतना है, ट्राइनोमियल में तीन वर्ड का नाम होता है. सेम बाइनोमियल की तरह फर्स्ट वर्ड होता है जीनस का, जो कि फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, फर्स्ट अल्फाबेट होता है कैपिटल. सेकेंड वर्ड होता है स्पीशीज का, इसमें फुल वर्ड होता है स्मॉल लेटर्स में. और थर्ड होता है सब स्पीशीज का नाम. और ये भी फुली स्मॉल लेटर्स में. अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. एग्जाम्पल आता है इसका ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम. ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियन सेपियन. अब इसमें जो सेकेंड सेपियन ऐड हुआ है वो है सब स्पीशीज. जो फर्स्ट स्पीशीज सेपियन है वो है स्पीशीज, और ये है जीनस. अब नेमिंग के सिस्टम में अगर स्पीशीज और सब स्पीशीज का नाम सेम है तो हम इसे कहते हैं टॉटोनिम्स. टॉटोनिम्स सिर्फ और सिर्फ एनिमल के नॉमेनक्लेचर में यूज किया जाता है. प्लांट्स में टॉटोनिम्स फॉलो नहीं किया जाता.